Morning students. Now we have a problem from the set theory, which is very important problem for the examination's point of view as well as for the competitive exam point of view. Okay guys, so now what is the problem, and we have to solve this problem with the help of the Venn diagram. So first of all, the problem we have: in a survey of 25 students, it was found that it had taken mathematics, 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 12 had taken chemistry. Okay guys, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. So what you have to calculate here, define the number of the student that had only chemistry. So you have to find out ki wo bache bataiye jinhone keval chemistry liya. Now you have to calculate only mathematics, those they are interested in only mathematics. Now you have to find only physics and chemistry but not mathematics, maths and physics but not chemistry, only one of the subject, at least one of the 3 subject and none of the subject. Very important problem. So now we are going to solve this problem with the help of the Venn diagram. Okay guys, so just Venn diagram se kaise isko solve karenge, aap dekhiye bahut lengthy problem hai lekin bahut choti ho jayegi aap jab Venn diagram se isko karenge. This is and this is here. Okay guys, so now थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, नहीं तो पॉइंट्स नहीं आएंगे इसमें सारे. बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के कंपटीटिव एग्जाम में एनडीए के जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये वेन डायग्राम आपको छोटे में कैसे क्वेश्चन को करना है ये भी आपको आइडिया दे देता है कितने छोटे में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. Okay, this is. So now, in a survey of 25 students was found that 15 had taken mathematics. Okay guys, so 15 had taken mathematics. So this is, इसको हम maths मान लेते हैं. Okay, इसको हम physics मान लेते हैं और इसको हम chemistry मान लेते हैं. Okay, so now, अब हम क्या करें, जो बच्चे maths पढ़ रहे हैं, उनको हमने A name दे दिया. जो बच्चे physics पढ़ रहे हैं, उनको हमने जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लियर है तो उनको हमने नाम दे दिया लेट अस बी नाम दे दिया. जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेट अस सी नाम दे दिया आपने. ओके गाइस, दोस्त जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो ए हो गया, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं बी, एंड केमिस्ट्री सी नाम दे दिया. अब कुछ बच्चे ऐसे हैं इन्हों सर्वे 25 स्टूडेंट 25 बच्चों में सर्वे हुआ, इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 11 had taken chemistry. 5 had taken maths and chemistry. Okay. So now maths and chemistry. This is maths and chemistry. And this is the reason. Okay. ये reason देख रहा है? ये वाला reason है. जिसको मैं ये कर रहा हूँ. ये वो वाला reason है. जो maths वाले भी हैं और chemistry वाले भी हैं. और ये वाला reason वो हो जाएगा जो maths वाले भी हैं, chemistry वाले भी हैं और physics वाले भी हैं. So, इसलिए मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं क्या मतलब दो नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट दे हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री सो आई विल गिव द नेम ऑफ देम ए बी सी एंड दिस इज डी वी. ओके गाइस, आ रहा है ना समझ में? क्या करा मैंने कि टेकन मैथमेटिक्स हो गया, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री. ओके, सो दैट इज डी. मैंने अज्यूम करा है जिन्होंने मैथ्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी लिया है उनको मैंने डी मान लिया. ओके, देन 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, सो 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स. ओके, दिस इज ए बी सी डी. सो ये देखो ये वाला सेक्शन देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझिए आप, बस बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला सेक्शन, क्योंकि यही है दोनों का कॉमन. अगर यहां लिख लोगे तो यहां फिर वो फिजिक्स की भी एंट्री, केमिस्ट्री की भी एंट्री और मैथ्स की, ये कॉमन रीजन है फॉर ऑल 3. So maths and physics. So maths and physics. 9 had taken maths and physics. So E मैंने नाम दे दिया. Okay. Those they have
सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड फिजिक्स, फोर हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो दिस इज ए बी सी डी ई एंड यू नो दैट दिस इज एफ यू हैव, ओके गाइस, ये कौन हो गए, ये हो गए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फोर हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रीजन है तो इसको एफ नाम दे दिया, एंड थ्री हैड टेकन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स एंड दिस इज जी यू हैव, ओके जी यू हैव टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, सो इसकी वैल्यू आप तुरंत बता सकते हैं कि G इज इक्वल टू 3, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 हैड टेकन ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, सब में गोलमाल है, गोलमाल मींस कि भैया ऐसा हो सकता है D के साथ G भी है जब कॉमन रीजन की बात आएगी मैथ्स और इसके तो, लेकिन अभी अगर आपको ऐसा कहा जाए कि जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं सो पूरे ग्राफ को देखकर बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि सिर्फ जी जो ऐसा जी वाला जो सेक्शन है ये वो सेक्शन है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, द गाइस दे हैव टेकन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, सो दैट इज जी इज इक्वल टू 3, ओके नाउ वी विल स्टार्ट विद, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नंबर ऑफ मैथ्स एनएम, मैथ्स जिसने लिया है, सो मैथ्स जिसने लिया है ए ने भी मैथ्स लिया है, ये भी मैथ्स वाले गोले के अंदर आ रहा है, ई इसने भी मैथ्स ले रखा है, जी भी मैथ्स वाले गोले के अंदर आ रहा है और डी भी मैथ्स वाले गोले के अंदर आ रहा है, सो इट मींस नंबर ऑफ मैथ्स कितना हो जाएगा आपके पास, ए दिस इज ई दिस इज जी एंड दिस इज डी एंड विच इज इक्वल टू कितना करेगा आपको, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, ओके गाइस ये क्लियर हो गया, इतना आ रहा होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है लेकिन आप समझिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस प्रॉब्लम में, और ये अच्छी अच्छी जगह मैंने देखा बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कभी कभी नेट में भी पूछ लेते हैं उसमें जो शुरू वाले सेक्शन आते हैं, तो ये क्या हो गया, दिस इज ए ई जी डी इज इक्वल टू 15, नाउ 12 हैड टेकन फिजिक्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, सो फिजिक्स वाला सेक्शन अगर आप उठाते हैं तो ई बी एफ जी, तो दैट इज एन फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स इज ई दिस इज बी दिस इज एफ एंड दिस इज जी वी हैव एंड 12 हैड 15 हैड टेकन मैथ्स 12 हैड टेकन फिजिक्स, सो फिजिक्स यू हैव 12, ओके गाइस देन व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री, देन एनसी दैट इज केमिस्ट्री यू हैव, केमिस्ट्री कितना हो जाएगा डी जी एफ सी, ओके सी डी जी एफ भी लिख सकते हैं आप, सो दिस इज सी डी एंड दिस इज जी एंड दिस इज एफ एंड द नंबर ऑफ गाइस हु हैव टेकन केमिस्ट्री एज देयर सब्जेक्ट, सो 11 हैव टेकन केमिस्ट्री, ओके गाइस, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट यू हैव, दिस इज सेकंड यू हैव, दिस इज थर्ड यू हैव, ओके इतना क्लियर हो गया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नाउ अब आप आगे बढ़ेंगे, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ओके गाइस मैथ्स एंड केमिस्ट्री मींस एंड मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, सो मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इज ये वाले स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ्स भी लिया और केमिस्ट्री भी लिया, वो कौन है डी प्लस जी, ये देख रहे हो आप, अरे जी ने तीनों लिए हैं लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री तो ले ही रखा है ना, इसमें तीनों लिए हैं, अब आप कहोगे जी ने तो तीनों ले रखे हैं लेकिन तीनों में ये दो तो है ही नहीं, कौन मैथ्स और केमिस्ट्री तो इंक्लूडेड है इसमें, सो इसमें वाला सेक्शन कौन सा, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री दैट इज डी प्लस जी, कितना हो जाएगा डी प्लस जी एंड विच इज इक्वल टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 यू हैव, ओके देन 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, सो 9 हैड टेकन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, सो नाउ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इज ई जी, ओके गाइस अब इससे कंफ्यूज नहीं होना आप, जी जी वो बच्चा है जिसने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिक्स भी लिया है केमिस्ट्री भी लिया मैथ्स भी लिया है, लेकिन अगर ऐसी बात करें कि इसने मैथ्स और फिजिक्स लिया है तो लिया है ना, एक एक्स्ट्रा ही है इसके पास, कौन सा केमिस्ट्री वाला एक्स्ट्रा है, लेकिन ये इन दोनों के साथ तो आएगा ही आएगा, किसके साथ मैथ्स और फिजिक्स वाले के साथ तो आएगा ही,
अरे वन मोर सब्जेक्ट, इसके पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। लेकिन अगर आप दो बात कर रहे हैं कि वो बच्चे दोस्त में है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, सो ई तो है ही है, बट जी इज ऑल्सो, सो देयरफॉर 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics. So maths and physics, 9 had taken maths and physics. So maths and physics. So that is E plus G is equal to 9. Okay guys, maths and physics. Then 4 had taken physics and chemistry. Now this time 4 had taken physics and chemistry. So this is physics and this is chemistry. So physics ka section taking up. So that is G plus F. So, 4 had taken physics and chemistry, and physics and chemistry का section है आपके पास, that is G plus F is equal to you have, कितना है, 4 had taken, and in last 3 had taken all 3 subject, which is G is equal to 3, so this is 5, and this is 6, and this is 7 you have, okay, now, one by one, G is equal to 3 you have, G is equal to 3, So with the help of this G, you can find F. F कितना हो जाएगा आपके पास? That is 4 minus G, that is 4 minus 3, that is 1. F कितना आ गया आपके पास? F कितना आ गया? 1 आ गया ना? अरे G 3 है, तो इसमें रखेंगे आप, तो ये कितना है? 4 है ना आपके पास? This is equation 6 है. So G आपके पास 3 है, so already F you have 1. Then E plus G is equal to 9 you have, and G we have 3. So this implies that E is equal to कितना हो जाएगा 6, okay? E 6 हो जाएगा ना? अरे E plus G is equal to 9 and G you have 3, so E के हिस्से कितना आ रहा 6 आ रहा Then D plus G, then D plus G, then D plus G is equal to 5 you have, so D plus G is equal to 5, so G we have 3, so D is equal to 2, D कितना हो गया आपके पास 2, E कितना हो गया 6, E कितना हो गया 6 और ये आ गया आपके पास f is equal to कितना आ गया that is 1 f कितना आ गया 1 f भी आ गया e भी आ गया d भी आ गया और g भी आ गया तो e f d g तो आ गया अब हमारे पास क्या रह गया so a निकालते हैं a plus e कितना है आपके पास the e you have e from first okay guys from equation first we have a plus E, E you have 6, and then G you have 3, and then D you have 2, and which is equal to 15, so we can say that 6, 3, 9 to 11 minus 15, 15 minus 11, that is 4 there, ठीक है ना, 6 to 3, 9 to 11, 15 minus 11 minus करोगे, so you have now 4, then what, A is equal to 4 you have, now, अब हम B निकालते हैं, so we have from equation second, E plus B plus F plus G is equal to 12 you have, so E guys, E you have 6, we have to calculate, F, what about F, tell me, F is 1, and what about G, G you have a 3 which is equal to 12, So therefore B is equal to 6, 3, 9, 1, 10, 12 minus 10, that is 2. So B you have 2, now we have to calculate C. So from equation third, we are going to calculate C. So C plus D plus G plus F is 11 you have, and this time C D you have, D you have 2, G you have 3, and F you have a 1 and 11, so obvious C is equal to 3 to 5 or 1, 6, 3 to 5 or 1, 6, 11 minus 6, that is 5, ये ध्यान से करना बच्चा है, otherwise थोड़ा सा भी mistakes हो गया तो पूरा question आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा 3 और 5 और 6 11 minus 6 that is 5 ओके गाइस तो अब आपके पास सारी चीजें आ गई जो इस ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है वो सब आपके पास है तो अब आप एक-एक करके आंसर दे सकते हो तो आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हो कि कौन क्या है और कौन कितना है किसका नंबर कितना है किसका नंबर
कितना है या कौन सा आंसर हमको क्या बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव ओनली केमिस्ट्री, सो ओनली केमिस्ट्री इज, सो केमिस्ट्री कितना है आपके पास, केमिस्ट्री आपने कितना लिया है बताइए, केमिस्ट्री आपने कितना लिया है, रडसी, अरे यही तो है जिनके पास केवल केवल केमिस्ट्री है, अरे ये तो वो है जो खिचड़ी वाले हैं कि मतलब फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है मैथ्स भी है, ये डी तो वो है मैथ्स भी है केमिस्ट्री भी है, बट अगर आप बात करते हो ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री ये वाला सेक्शन है ये वाला, तो ओनली केमिस्ट्री कितने बच्चों के पास है, रडसी, ओनली केमिस्ट्री कितने के पास हो जाएगा, सी के पास हो जाएगा, सो ओनली केमिस्ट्री यू हैव अ सी, यहां कर देता हूं मैं, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे आप ध्यान से समझेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री दैट इज एन सी एंड दिस इज सॉरी ये जो सी वाला सेक्शन है ये कितना आ गया, दैट इज ओनली केमिस्ट्री कितना हो गया, फाइव हो गया आपके पास, ओनली केमिस्ट्री कितना हो गया, फाइव हो गया ना, ओके गाइस, यानी इसको सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास फाइव, अब आप आ जाइए किस पे, ये इतना ही लिखो ओनली केमिस्ट्री आप समझ गए ना ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये तो सब मिक्सअप वाले डी जी एफ, तो सी ऐसा है जिसके पास केमिस्ट्री, तो सी फाइव हो गया, ओके, सेकेंड भी है ओनली मैथ्स, सो ओनली मैथ्स बताओ कितनों के पास है ओनली मैथ्स, फटाफट बोलो ओनली मैथ्स, एन ए, एन ए कितना है, ए कितना है आपके पास, ए यू हैव फोर, सो ओनली मैथ्स कितनों के पास है फोर, ओनली मैथ्स कितनों के पास है फोर, अरे ये बच्चे जो है जिनके पास मैथ्स है, ये ई जी डी वाले ओनली मैथ्स, तो ये वाले बच्चे ये जो ग्राफ के अलग अलग ये वाला सेक्शन वाइट वाइट डन खिचड़ी पट्टी वो नहीं, सो दैट इज फोर, फिर देन थर्ड ओनली फिजिक्स बी, ओनली फिजिक्स बी विच इज इक्वल टू यू हैव कितना होता है बी कितना है जल्दी बोलो, बी वी हैव कहां निकाला हमने, दैट इज टू, सो बी वी हैव टू, ओके गाइस, देन नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, अब आपको जो बताना है फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है बच्चे ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले रखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले रखा है लेकिन क्या नहीं लिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो ये कौन से हो जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो ये है एफ वाला है, कौन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है ना लेकिन मैथ्स नहीं लिया है इसमें, देखो ये मैथ्स वाला सेक्शन, ये सिर्फ ये वाले सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ का आंसर, सीधा लिख रहा हूं मैं, फोर्थ का आंसर हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, सो दैट इज एफ, एंड एफ वी हैव एफ 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 कितना आया, दैट इज वन, एफ कितना आ गया वन आ गया, ओके गाइस, फिर फिफ्थ पर आओ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, फिफ्थ है आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, अब देखो मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, सो मैथ्स ये ई वाला है क्योंकि ये केमिस्ट्री होता तो जी भी इंक्लूड हो जाता, सो मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, सो दैट इज ई, सो ई वी हैव, ई कितना है आपके पास बताओ, ई आपके पास आया कहा, दैट इज सिक्स, ओके ई आ गया सिक्स, फिर ये आ गया फिफ्थ का, फिर सिक्स का आया, ओनली वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, जिन्होंने केवल ए के सब्जेक्ट रखा है, ओनली वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो वो कौन है, ए बी सी, कौन से हैं, ए बी सी, ए बी सी जिन्होंने ए के सब्जेक्ट रखा है, तो ओनली वन ऑफ दिस सब्जेक्ट जो है ए बी सी, ए कितना है, ए जो है ए है फोर, ए है फोर, बी, बी कितना है, बी है आपके पास ए फोर बी, बी बी है टू और सी, सी कितना है, सी है फाइव, सो फाइव फोर नाइन और टू कितना हो गया, इलेवन आ गया, कितना आ गया इलेवन, ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट यू हैव क्या कहा मैंने, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, सो एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, तो कम से कम एक जरूर लिया है, तीनों में से कम एक लिया है, तो भैया कम से कम एक लिया है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले सकता है, तो अब सारे आ जाएंगे क्योंकि कह रहा है कम से कम एक लिया है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, तो इसमें ये सारे ऐड कर दो आप, कितने ए बी सी डी ई एफ जी,
तो ये सेवन का आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर ऑफ सेवन इज ए बी सी डी ई एफ और जी, ऐड करो इनको कितना आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, सबको ऐड करो फटाफट। तो ए कितना आपका आ रहा है फोर, फोर टू सिक्स टू एट, एट टू सिक्स फोर्टीन, एट टू सिक्स फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री कितना आ रहा है ये, दैट इज ट्वेंटी थ्री। ओके एंड लास्ट यू हैव नन ऑफ द सब्जेक्ट, सो नन ऑफ द सब्जेक्ट, सो यू नो दैट नन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब जिसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो टोटल बच्चे कितने थे 25 पर आपने सर्वे करा, 33 ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट ले रखा है, तो दो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। सो दिस इज योर आंसर, सो आई होप बहुत अच्छा सवाल है, तो कई जगह पूछा जाता है कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस ये अलग अलग पूछते हैं, कभी केमिस्ट्री पूछ लेते हैं, कभी मैथ्स, कभी ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट पूछते हैं, लेकिन मैंने ये सारा इकट्ठे करके क्वेश्चन बनाया ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स क्लासेस को भी फॉलो करिए। थैंक यू।